संत जोसेफ का पर्व मनाती है। वास्तव में कौन है संत जोसेफ हमारे लिए? हमारे मन में सर्वप्रथम आपका जवाब होगा, संत जोसेफ यीशु के पालक पिता हैं, और आपका जवाब सही है। लेकिन इससे भी बढ़कर जरा सोचिए कि संत जोसेफ हमारे लिए कौन है। आज हमारे संत पापा फ्रांसिस ने इस वर्ष को संत जोसेफ का वर्ष घोषित किए हैं, और माता कलीसिया संत जोसेफ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस पर्व के शुभ अवसर पर मैं आप सबका ध्यान संत जोसेफ के तीन सद्गुणों पर केंद्रित करना चाहती हूँ। संत जोसेफ हमारे लिए एक संदर्शक संत हैं। संत जोसेफ सभी श्रमिकों के लिए एक आदर्श नमूना है, हमारे लिए एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि अभी श्रमिकों का दर्जा कैसा है, क्या है। आइए हम संत जोसेफ की मध्यस्थता द्वारा सभी श्रमिकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि सभी श्रमिकगण अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सकें और हमेशा ईश्वर पर आस्था रख सकें। धर्मी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति ही अपने जीवन में आने वाली सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों, संकटों का सामना कर सकता है। संत जोसेफ ने एक पवित्र परिवार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भला मरण की कृपा, इस आधुनिक प्रगतिशील दुनिया में आज कोई भी अचानक मरण पाना नहीं चाहते। हम हमारे आसपास देखते हैं, न्यूज पत्रों में पढ़ते हैं कि मुख्यतः मानव की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण हो रही है। आज मनुष्य आकस्मिक दुर्घटनाओं से क्या मरना ही नहीं चाहता। सभी मनुष्य अपने शरीर को सुरक्षित रखने की बहुत कोशिश करते हैं। आइए आज हम सभी मानव के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रत्येक मानव का मरण पवित्र हो, भला हो, ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने योग्य हो। तो आइए सभी श्रोतागण, आज से रोज सभी श्रमिकों के लिए धर्मी व्यक्ति बनने के लिए और भला मरण की कृपा पाने के लिए हम संत जोसेफ से प्रार्थना करें, ताकि संत जोसेफ हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और संत जोसेफ के सभी कृपादान हम अपनी भक्ति और प्रार्थना द्वारा हम सभी को प्राप्त हो सके।